खबर गाजियाबाद की है। हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अशोकनगर इलाके में रहने वाले लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद के अशोकनगर इलाके के ए ब्लॉक में रहने वाले लोग रात जगा कर रहे हैं। वजह है इन घरों पर अचानक पत्थरों की बरसात होती है। घरों की बालकनी और बरामदे के कई शीशे इससे टूट गए हैं। चार पाँच दिनों से सिलसिला जारी है। दिन के समय भी पत्थर बरसते हैं और देख सकते हैं कि रात का वक्त है, जहां पर लोग पूरी रात सोते हैं। ये लोग पहरा देने को मजबूर हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सभी लोग जागे हुए हैं क्योंकि काफी डर जो है इन्हें सता रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे सोने के बजाय अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं। बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। दफ्तर छोड़कर लोग घर पर दिन रात पहरे दे रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने गेट के बाहर के लॉकर कटवा दिए हैं क्योंकि ये बंद कर दिए जाते हैं। इन घरों के पास में ही रेलवे ट्रैक है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि ये पत्थर आते कहां से हैं। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम लोगों के यहाँ सब लड़कियाँ बच्चे घरों में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह की पॉश एरियाज में चार दिन से ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसका कोई अंजाम नहीं हो रहा। किसी से बोलते हैं तो कोई कहता है ये सियानीगेट थाने में आता है, कोई कहता है कविनगर थाने में आता है। कहने के बाद एक बार आ गए हैं, उसके बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं है। और ड्रोन व्रोन चलाया था इन्होंने, ड्रोन पे खुद गिरे हैं पत्थर। भैया यही दिक्कत हो रही है कि बच्चे भी नहीं खेल पा रहे सड़क पे, हम भी निकलने में डर लगता है। पत्थर पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा इधर से आ रहा है या उधर से, सामने से किस तरह से वो कर रहा है। और यूपी के रामपुर में पहचान छिपाकर नौकरी करने पर मां बेटी पर गाज गिरी है। दोनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मां बेटी ने अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। पाकिस्तान की नागरिकता छिपाकर शिक्षक की नौकरी पाने का मामला फतूल पकड़ने लगा है। मामला यूपी के रामपुर का है। फरजाना उर्फ माहिरा अख्तर पाकिस्तानी नागरिक है, जिसमें 1989 को पाकिस्तान निवासी सिबकत अली से निकाह किया था। पाकिस्तान की नागरिकता भी मिल गई। दो साल बाद तलाक के बाद वो भारत लौटी और फिर वापस नहीं गई और 1992 से नौकरी कर रही थी। इधर बेटी को 2015 में बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी मिल गई। इसमें पाया कि जो है ये इसकी माँ जो वाकई में पाकिस्तान की है, तो उन्होंने जो है इसके सारा रिकॉर्ड देखा, उस महिला को बुलवाया, पूछा भी गया, तो उसको प्रथम दृष्टया जो है पाकिस्तान की नागरिक मानते हुए उसे निलंबित कर दिया। माहिरा वीजा खत्म होने पर भी पाकिस्तान नहीं गई। कोर्ट ने मामले के खत्म होने तक अदालत में हाजिरी का फरमान सुनाया, जिसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बहरहाल नागरिकता छिपाकर नौकरी लेने वाली मां बेटी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बरेली में तैनात बेटी शुमाइला को निलंबित कर बर्खास्तगी की तैयारी चल रही है। पूरे प्रकरण में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।